हाँ दोस्तों, मेरे पास एक संदेश आया था किसी देवी का। उन्होंने मुझसे कहा था कि पूरे तरह से मुझे बताए कि दूध में गुड़ कब डालें ताकि वो फटे ना, यानी कि दूध फट जाता है दूध गर्म दूध में अगर गुड़ डाल देते हो। तो मैं उनको बताना यही चाहता हूँ कि दूध में गुड़ डालने पर नहीं फटता, बस एक तरीका होता है। जैसे कि एक और एक दो बनाने के लिए प्लस का निशान लगाया जाता है, उसी तरीके से दूध में गुड़ डालने का एक समय होता है, उसके आधार पर ही ये सब किया जाता है। तो मैं उनको यही बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप दूध गर्म कर लें, थोड़ी देर को लिए इसको गर्म होने दें ताकि ये थोड़ा सा अच्छा हो जाए। वैसे ये गर्म हो चुका है लेकिन फिर भी इसे अच्छे तरीके से गर्म होने दें। जब आपको लगे कि दूध गर्म हो गया है तो आप गुड़ ले लें। ये गुड़ ले लें और इसमें से थोड़ा गुड़ निकाल लें। इसमें से आपने गुड़ ले लिया थोड़ा सा, कुछ इस तरह से गुड़ ले लिया। गुड़ लेने के बाद आपको इस गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो मैंने ये गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं, वो आपको दिख रहे हैं ना। हाँ, यही मैंने गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं। तो मेरा दूध गर्म हो चुका है तो मुझे अब गैस बंद कर देनी चाहिए। तो मैंने गैस कर दी बंद, आप दूध थोड़ा शांत हो जाए, यानी कि इसमें इसको पता नहीं चलना चाहिए कि दूध गर्म भी हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो गुड़ है जो छोटे छोटे टुकड़े करे हैं उसको दूध में मिला दूँगा। तो पहले ये चम्मच के ऊपर हल्का सा है, इसको दूध में डाल के थोड़ा ऐसे ऐसे कर देता हूँ ताकि चम्मच के ऊपर जितना भी गुड़ है वो हट जाए। तो दूध गुड़ हट चुका है। अब मैं मेन गुड़ लेता हूँ और इसको इसमें डाल देता हूँ। सारा गुड़ मैंने डाल दिया है। अब देखना धीरे धीरे गुड़ दूध के अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो काला काला दिख रहा है ये काला काला नहीं है, ये गुड़ पिघल रहा है, पिघलने के कारण दूध में मिल रहा है। गुड़ के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए ताकि वो आराम से मिल जाए। मिल रहा है ना, कभी भी दूध में खोलते हुए दूध में गुड़ नहीं डालना, अगर डाला तो दूध फट जाएगा। तो अब ये मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं गुड़ को अब मिलाने का सबसे अच्छा प्रोसेस ये है। अब मैंने गुड़ को पहले ही इतने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ताकि मैं इसके कर रहा, मैं धीरे धीरे इसको हिलाता हूँ। ये हिल रहा है, यस, वेरी गुड। धीरे धीरे हिलाओ, बहुत मज़े मज़े में हिल रहा है। ऐसे हिलाते रहो धीरे धीरे और ये मिल जाएगा। धुआं निकल रहा है, ठंड हो रही है। दूध हिल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया दूध हिल रहा है। इसमें जितने भी बड़े बड़े टुकड़े हैं वो दूध में मिल जाएंगे। ओहो, धीरे धीरे मिलाते रहो, इसको चेक भी करते रहो। अभी दूध के में गुड़ के टुकड़े बड़े बड़े हैं। एक्चुअली वो जो टुकड़े दिख रहे हैं वो गुड़ टुकड़े नहीं है, वो मैंने क्या बोलते हैं किशमिश डाली थी ताकि स्वाद अच्छा हो जाए। वैसे उन लोगों को ज़्यादा पीना चाहिए जो थके रहते हैं और जो काफ़ी नींद से दूर रहते हैं, यानी कि नींद नहीं आती उन्हें, उन लोगों को दूध पीना चाहिए। और जो लोग धूल मिट्टी में काम करते हैं, यानी कि खुले में फील्ड में काम करते हैं गाड़ी से बाइकों पर बैठकर, उन्हें तो खास करके गुड़ का सेवन करना चाहिए। सर्दियों में तो सबसे बढ़िया समय है दूध में गुड़ डालकर पीना। तो मेरा गुड़
यार हो गया है। दूध का कलर चेंज हो गया है, तो इसका मतलब है गुड़ में, दूध में गुड़ मिल चुका है। अब मैं दूध को गिलास में उसके हिसाब से सर्व कर देता हूँ। ये मेरी मम्मी का गिलास और ये मेरे पापा का गिलास और ये वाला मेरा, क्योंकि जब तक मैं दूध पी नहीं लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा था ना, मैंने इसमें किशमिश डाली हुई है।